आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है और युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। ऐसे युवा तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान अखंड प्रताप सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपने राजनीतिक दिलचस्पी आपकी कैसे बढ़ी और आगे का क्या प्लान है। आप बीच में चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन आपका टिकट कट जाने की वजह से आप चुनाव नहीं लड़ सके। इन तमाम सभी परिवेश में आगे का क्या प्लान है, इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप हमारे साथ में जुड़े, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपके पिताजी आपके परिवार में वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, फौज में हैं, ये आपका परिवेश एक ऐसा देशभक्ति का परिवेश है, इसमें आपका राजनीतिक दिलचस्पी कैसे बढ़ा? देखिए, हमारा जो गांव था ये सैनिकों का गांव है जी, और शुरू से ही लोग सेना में भर्ती होते हैं, देश की सेवा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई की दृष्टि से मुझे गाँव से बाहर जाना पड़ा और जब हम वहाँ इंटर कॉलेज में पहुँचे तो ABBP जो संगठन होता है, जो छात्र संगठन है, उस संगठन से जब मैं इंटर में था तब जुड़ना हुआ मेरा जी। और वहाँ से जुड़ते में देखिए, ये नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति करना है या राजनीति के उद्देश्य से मुझे ABBP में जुड़ना है जी। हमने तो ऐसे एक समाज सेवा के नाम पर धीरे धीरे एक रचनात्मक काम विद्यार्थी परिषद करती है तो उसके साथ जुड़ने के लिए मैं उससे जुड़ा था जी। लेकिन कब इतना आगे मैं निकल गया और जिसे आप कह सकते हैं कि अब मैं राजनीति में आ गया हूँ तो मुझे भी नहीं पता चला जी। ये मतलब आने का कुल वो है राजनीति में। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हमको राजनीति नहीं करना था लेकिन फिर भी हमने ABBP ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो राजनीतिक संगठन है बच्चों के लिए, तो आपने ज्वाइन कर लिया तो आपने ये नहीं सोचा कि आगे हमको राजनीति में बढ़ जाना पड़ेगा? ना, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने देखिए, ABBP का संगठन मंत्री होते हैं और वो आते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों की समस्याओं को लेके हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, कोई एक हो जो नेतृत्व करे क्योंकि सब छात्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई राजनीति का माध्यम नहीं, छात्रों के बीच की समस्याओं को आगे तक पहुँचाना, उनका समाधान करना, इसका उद्देश्य इतना ही था। लेकिन अब उसमें काम करते करते, उन समस्याओं से काम करते करते लोगों से मिलना जुलना हुआ और राजनीति में पूरी तरह से आना पड़ा मुझे। सर, जैसा कि इस बीच आप चुनाव भी लड़े, अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो आप चुनाव लड़े थे और सदस्य बन भी गए, बीच में आपका नाम बहुत ज्यादा चल रहा था पार्टी में कि आप टिकट मांग रहे हैं ब्लॉक प्रमुखी के लिए, प्रबल दावेदारी आपने किया था लेकिन आपको टिकट नहीं मिला उस टाइम पे, तो आप पार्टी से नाराज नहीं हुए? देखिए, जिस मात्र संगठन से जुड़कर कर राजनीति की मैंने शुरुआत की थी जी, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2007 में लिया जी, तब से आज तक लगभग 15 से 17 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में निरंतर काम करते हुए। कभी कभी हम जो सोचते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में तय किया था जी कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और जनप्रतिनिधि के परिवार को टिकट नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले के कारण पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। पार्टी इन चुनावों में, क्योंकि इन चुनाव में हार नहीं देखना चाहती थी, तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उन्होंने विधायकों को एक अपने हिसाब से एक टिकट देने का निर्णय लिया। अब उस स्थिति में देखिए, पार्टी सर्वोपरि होती है, कभी चाहे मेरी वजह से, अगर मेरी वजह से ये टिकट की वजह से अगर पार्टी का नुकसान हो रहा था तो मुझे पीछे हटना चाहिए था और मैंने वही निर्णय लिया। पार्टी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कभी अवसर की कमी नहीं होती है जी। और इसमें एक छोटा सा आदमी नीचे से कभी भी ऊपर जा सकता है, तो कोई एक अवसर अगर हमें नहीं मिला तो वह पार्टी से नाराज होने का कोई विषय नहीं है, आगे ऐसे अनेकों अवसर तलाशने का हम लोग काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जाता है कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं सन 2007 से कार्यकर्ता हूं और मैंने ज्वाइन किया पार्टी, लेकिन माननीय विधायक जो वर्तमान विधायक खरैया से हैं वो सन 2012 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब उस टाइम पे उनको चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो उसके पहले वो कांग्रेसी थे,
और आप सन 2007 से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपने टिकट की प्रबल दावेदारी किया लेकिन उनके भाई साहब को टिकट मिल गया और आपको टिकट नहीं मिला, ये कैसे एक सिक्के का साबित हो सकता है? इसको मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि माननीय विधायक जी हमारे पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी में कभी कभी देखिए कभी कभी पार्टी को कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो ना चाहते हुए, तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय ऐसा ही है कि पार्टी ऐसा चाहती नहीं थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे निर्णय पार्टी को लेने पड़ते हैं जो सही नहीं होता है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में हर निर्णय हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो सकता है, और कई लक्ष्य क्या होना चाहिए, पार्टी का जीत होनी चाहिए, वह कैसे हो सकती है इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब ये है, एक तरफ फेसबुक पे यह चल रहा था कि आप योगी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, दूसरी तरफ आपका कहना है कि पार्टी में इसको दबाव में आके किया कि वो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, आके इसलिए उनको टिकट देना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं पार्टी ने निर्णय लिया, और प्रदेश परिवारवाद का शिकार हो गए, आपको इसलिए टिकट नहीं दिया गया। नहीं, देखिए इसमें इसको हम दूसरे तरीके से लेंगे। देखिए पूरे प्रदेश में पार्टी ने यह तय किया कि हम विधायकों के हिसाब से टिकट देंगे जी, उस आधार पर टिकट कटा, तो कोई ऐसी इसमें परिवारवाद की बात नहीं कर सकते, परिवार में तो टिकट दिया ही गया है, लेकिन यह निर्णय पार्टी का था, पूरे पार्टी का प्रदेश में था कि एक टिकट विधायक के हिसाब से दिया, क्योंकि पार्टी के द्वारा ही यह गाइडलाइन दी गई थी कि कोई भी उनके घर का चुनाव नहीं लड़ सकता, जनप्रतिनिधि के जो भी भाई हैं या जो पार्टी के हैं, बाद में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया लगता है। पार्टी ने तो देखिए ऊपर भी बैठे लोग हर किसी परिस्थिति को समझ कर निर्णय देते हैं, और क्योंकि आने वाले चुनाव में हम लोगों को विधानसभा चुनाव में जाना है, तो इस दृष्टि से सोचकर पार्टी ने जो निर्णय लिया वह सही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं करना। जी विधायक जी या पार्टी अध्यक्ष जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, किसी से आप नाराज नहीं? हमारी नाराजगी देखिए पार्टी को मैंने मात्र संगठन मानकर काम किया जी, और मुझे इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है जी। मैं क्या था, मैं तो साधारण किसान का बेटा था, और आज भारतीय जनता पार्टी की जैसे जिले में मेरी पहचान है, अखंड प्रताप सिंह को कौन जानता है, मेरे बाप को कौन जानता है, मेरे बाप का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन इस पार्टी की वजह से मुझे जो पहचान मिली है मिली है, इसलिए पार्टी के साथ या पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो उसके साथ। सर अब इसमें तो आपको टिकट नहीं मिला, ये प्रमुखी का चुनाव आप नहीं लड़ सके, लेकिन अब आगे का क्या प्लान होगा? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरे गार्जियन जो लोग हैं या ऊपर बैठ कर ये लोग तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, और यह निर्णय उनका होगा कि मुझे क्या करना है, मैं उनके हिसाब से निर्णय। सर जो भी आपको क्षेत्र के हर या विधानसभा के या इस ब्लॉक के जो भी युवा या जो भी क्षेत्रवासी सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है? देखिए हरैया विधानसभा एक ऊर्जावान ऊर्जावादी धरती है, और मैंने यहाँ पर घूमा टहला, मुझे इतनी ज्यादा इतना खूबसूरत जो हरैया विधानसभा है मुझे कोई विधानसभा नहीं लगी। यहाँ के नौजवान ऊर्जावान हैं, यहाँ के किसान धैर्यशाली हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक जो भी चुनाव हो, जो भी आप जब भी चुनाव आवे, तो ऐसे पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता को ऐसे विधायक को चुने जो हरैया विधानसभा के हित में काम करे और देश सेवा का हमेशा जज्बा रखता। दोस्तों अभी तक आप सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री श्रीमान अखंड प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि आज आपने उनके राजनीतिक जीवन के बारे में सब कुछ जाना कि किस प्रकार से उनका टिकट कटा या किस प्रकार से वो पार्टी गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं बिना किसी नाराजगी के, बेशक भी वो परिवारवाद का शिकार हो गए, उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और वो अपना काम कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत